मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बेंगलुरु में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दो दिन तक चले इंटरैक्टिव सेशन के दौरान 3,200 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं और 7,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। HAL की ओर से MP में नया सेंटर खोलने की सहमति बनी है। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी के नेस्कॉम, इंफोसिस, TCS के साथ राउंड टेबल चर्चा में MP में निवेश की उम्मीद बढ़ी है। आयोजन में 500 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। 30 से अधिक उद्योगपतियों के साथ बैठक हुई। गूगल क्लाउड ने MP में स्टार्टअप हब और सेंटर फॉर एक्सलेंस बनाने का प्रस्ताव दिया। CM यादव ने कहा कि NVIDIA ने मध्य प्रदेश को भारत की इंटेलिजेंस राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का सुझाव दिया। MP की ओर से 4 प्रकार के प्रेजेंटेशन दिए गए। IT सेक्टर में 4 MOU हुए हैं। एक्सचेंज ऑफ MOU बिटवीन MPACDC एंड AGI। देखिए, बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई सारे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ भी काम है, वहाँ भी काम है, और कई सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से अपने गुड्स बना करके वहाँ सप्लाई करती है, तो उनको भी स्थान देना और भविष्य की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके IT सेक्टर से लगा करके एनर्जी, माइनिंग, ऐसे कई सेक्टर जिसमें बड़ी संभावना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कल से आज तक मैं कई सारे अलग अलग निवेशकों से मिला हूँ, उद्योगपतियों से मिला हूँ और सर्विस सेक्टर के लोगों से भी मिला हूँ। सब ने बहुत उत्साह दिखाया है। सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। हम सब मिल करके बेंगलोर को, कर्नाटक को भी आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। ये मिलजुल करके व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं आया हूँ, तो मुझे संतोष है। लगातार सभी प्रकार के लोगों ने इसमें उत्साह दिखाया आ रहे हैं, उस पर भी, उनके अलावा भी बाकी और सेक्टर के लोग भी काफ़ी बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश करने को तैयार है। इसी महीने 28 तारीख को हमारे रीजनल कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने वाली है, वहाँ भी मैं आने के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ। आने वाली फरवरी में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव होने वाली है। कुल मिलाकर के निवेश के लिए लगातार माहौल बन रहा है। मैं पिछले महीने कोयम्बटूर गया था, उसके अलावा मुंबई गया था, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हम दौरा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर बात भी कर रहे हैं। हर जगह से अनुकूल प्रस्ताव आ रहे हैं।